दोस्तों, यह तो आप जानते हैं कि प्राचीन काल से ही बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ दुष्ट लोग बेटियों को गर्भ में ही मरवा देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने परिवार का वंश चलाने के लिए एक बेटे की जरूरत होती है। मगर जो लोग बेटियों से नफरत करते हैं और उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उन्हें हम ये बता देना चाहते हैं कि बेटियों को लक्ष्मी का रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें वास्तव में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जी हाँ, जो लोग लड़कियों और बेटियों का अपमान करते हैं, वो लोग वास्तव में माँ लक्ष्मी का ही अपमान करते हैं, जिसके तहत माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों के घर में कभी प्रवेश नहीं करती। बहरहाल, शास्त्रों के अनुसार भी बेटी को माँ लक्ष्मी का ही रूप कहा जाता है। यही वजह है कि जिस घर में स्त्री रोज सुबह 16 श्रृंगार करती है, वहाँ लक्ष्मी माँ का वास जरूर होता है। वो इसलिए क्योंकि माँ लक्ष्मी को भी 16 श्रृंगार करना बेहद पसंद है और वह भी हमेशा 16 श्रृंगार करके ही विराजमान रहती हैं। गौरतलब है कि स्त्रियों के 16 श्रृंगार में पायल का काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि पायल की झनकार सुनकर ही पूरा घर खिल उठता है। इसलिए अगर शास्त्रों की माने तो आपकी बेटी की पायल भी आपको धनवान बना सकती है। अब ये तो सबको मालूम है कि स्त्रियां आमतौर पर चांदी की पायल पहनना ही पसंद करती हैं। चांदी की पायल पहनना उनके लिए काफी फायदेमंद भी होता है। वो इसलिए क्योंकि चांदी वास्तव में चंद्रमा की धातु होती है। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार जब बेटी घर से विदा होती है, तब माँ लक्ष्मी भी हमारे घर से दूर हो जाती हैं, जिसके तहत घर की आर्थिक स्थिति कई बार खराब हो जाती है। यही वजह है कि इस आर्थिक संकट से बचने के लिए शास्त्रों में एक अचूक उपाय बताया गया है। हमें यकीन है कि आपको ये उपाय बेहद पसंद आएगा। जी हाँ, इस उपाय के अनुसार जब आपकी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाए, तब तुरंत उसके पैरों में चांदी की पायल पहना दें। मगर जब उसकी विदाई का समय आए तो उसके पैरों से एक पायल निकलवा कर अपनी तिजोरी में रख दें। इस बात का ध्यान रखें कि आपको केवल एक ही पायल लेनी है और एक ही पायल तिजोरी में रखनी है, जबकि दूसरी पायल आप अपनी बेटी को वापस कर दें। गौरतलब है कि इससे न केवल आप धनवान बन सकते हैं, बल्कि इससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा, यानी आपकी धन से जुड़ी हर समस्या खत्म हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रमा मन का कारक माने जाने वाला ग्रह होता है। ऐसे में चांदी की पायल पहनने से आपका मन किसी भी काम में लगा रहेगा। इसके साथ ही घर में खुशहाली का वातावरण बना रहेगा। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में पायल की छन छन सुनाई देती है, वहाँ हमेशा दिव्य शक्ति विराजमान रहती है। इसलिए अगर आप अपने घर में माँ लक्ष्मी जी का वास चाहते हैं, तो अपनी बेटी की एक पायल लेकर तिजोरी में जरूर रख लें। और अगर आपकी बेटी छोटी है, तो उसे आज ही प्यारी सी चांदी की पायल पहना दें। ये तो फ्रेंड्स, घर की बेटी को पहनाएंगे एक चीज, धन संपत्ति में होगा बढ़ावा, रहेगा हमेशा लक्ष्मी का वास।